हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल फिक्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी फोटोज में एक बहुत ही अमेजिंग और क्रिएटिव डिस्पर्जन इफेक्ट ला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको हमारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करना पड़ेगा। उसके लिए हम सिंपली अपने क्विक सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट पे, ताकि हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, हमने सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करा, अब उसने ऑटोमेटिकली हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। लेकिन फिर भी हम एक बार उसको और रिफाइन करेंगे ताकि कोई एरर ना हो। तो हम सिलेक्ट इन मास्क पे जाएंगे और थोड़ा सा जूम करके देखें कहाँ कहाँ एरर्स हैं। ठीक है, हम ये वाला ब्रश लेंगे, सेकेंड नंबर का रिफाइन एज ब्रश टूल, या आप सिंपली आर प्रेस कर दीजिए और स्लाइटली हल्का सा इसके जहाँ जहाँ हेयर के स्ट्रैंड्स आ रहे हैं वहाँ पर आप एक बार बस हल्का सा पेंट करेंगे, ताकि वो अच्छे से एक एक बाल को सिलेक्ट कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखिए हल्का सा कॉलर रह गया है, तो हम थर्ड ब्रश लेंगे, तो उसके बाद रिफाइन ब्रश। ठीक है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मेरी हैबिट है मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ एज को -10 पे, ताकि जितना भी सिलेक्ट हुआ है वो थोड़ा और रिफाइन हो जाए। अब ये जो हमारे सिलेक्शन है थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया है। ठीक है, स्मूथ हम कर देंगे लगभग 15, कॉन्ट्रास्ट 20। ठीक है, और हमारा आउटपुट हम लेंगे न्यू लेयर विद लेयर मास्क, नहीं हम सिर्फ न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, हमारा आउटपुट सिलेक्शन होगा न्यू लेयर। ओके, अब ये हमारा नया लेयर पे सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हम इसकी कॉपी बनाएंगे, इसको हम बेस लेयर कर देते हैं। ठीक है, इसकी हमें कॉपी बनाएंगे कंट्रोल जे, कमांड जे से, और इसका नाम कर देंगे डिस्पर्जन। ठीक है, अब हम लेंगे हमारा फिल्टर लिक्विफाई टूल। ठीक है, हम लिक्विफाई टूल पे जाएंगे। अभी इफेक्ट आपको नजर आएगा नहीं, क्योंकि मैंने फोर्थ लेयर सेलेक्ट करी थी। ब्रश साइज और प्रेशर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा हार्ड और डेंसिटी प्रेशर बढ़ा रखे, पहले 50 पे लेते हैं। हमको इसको स्ट्रेच करना है पूरा, ऐसे करके पूरा स्ट्रेच करना। अब देखिए कम हो रहा है, क्योंकि हमारी जो प्रेशर है डेंसिटी, ये प्रेशर डेंसिटी सब कम है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे ताकि ये ज़्यादा अच्छे से ले लें। अगर आपको ब्रश का साइज़ कम या बढ़ाना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज़ कम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से। और बाकी जो पुराना मेथड है वो है कंट्रोल ऑप्शन, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करना लेफ्ट राइट। ठीक है, हल्का सा इसको ड्रैग करेंगे। डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने लिक्विफाई कर दिया। ठीक है, ये बेस लेयर है, और आप एक बेस लेयर के नीचे भी ग्रेडियंट लेयर बना दीजिए। हम एक एक्स्ट्रा लेयर लेंगे, न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट हम लेंगे फोरग्राउंड वाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे और सिंपली ग्रेडियंट ड्रैग करके बना देंगे, ये हमारा बैकग्राउंड लेयर बन गया। देख लेंगे बाद में एडजस्ट करना होगा तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग ये ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये बेस लेयर है उसको हमें इन्वर्ट
लेयर मास्क बनाना पड़ेगा, और इन्वर्ट लेयर मास्क बनाने के लिए हम आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, मैक में ऑल्ट ऑप्शन, विंडोज में ऑल्ट, और ये लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो एक इन्वर्टेड लेयर मास्क आ गया, ठीक है। और ऊपर जो हमारा मेन है डिस्पर्जन, उस पर हम नॉर्मल लेयर मास्क बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप आप उल्टा ना करते हैं। तो हमारा लिक्विफाई है बेस लेयर, उस पर हमें इन्वर्जन वाला लेयर मास्क बनाना है, इन्वर्टेड लेयर मास्क ब्लैक वाला, और जो हमारा मेन लेयर है ऊपर डिस्पर्जन वाला, उस पर हमें व्हाइट वाला लगाना, ठीक है। अब ब्रश जो मैंने लिया है, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, पर जो पर्टिकुलरली मैंने ब्रश लिया उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक है डाउनलोड की, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हम मेन ब्रश लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे 11 डिस्पर्जन, 20 डिस्पर्जन ब्रशेज में 11, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा कम करेंगे, आपको जो फर्स्ट वाला है उस पर ब्लैक से पेंट करना है ताकि यहाँ पे डिस्पर्जन इफेक्ट आ जाए। अगर आपको ब्रश को रोटेट करना है तो राइट क्लिक कीजिए और ये रहा रोटेशन टूल, आप ब्रश को रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आप, ठीक है। अब हल्के हल्के इसके यहाँ पे हल्के हल्के पेंट करिए ताकि डिस्पर्जन इफेक्ट आना शुरू हो जाए। छोटा ही रखिएगा, फिर बड़ा रखिएगा, तो आपको रैंडम करना है, लेकिन साइज आप चेंज करते रहिएगा, नहीं तो इफेक्ट मिस वो मिक्स हो जाएगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो लाइन आ रही है इसके पीछे की, आपको दिखाता हूँ ये वाली लाइन, ये पूरी ये आपको रब कर, ठीक है। अब हम लेंगे हमारी सेकेंड लेयर बेस लेयर, अब हम इन्वर्ट करेंगे हमारा कलर, फोरग्राउंड व्हाइट लेंगे, आप चाहे तो ये बटन क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन प्रेस एक्स, एक्स से हम टॉगल कर सकते हैं ब्लैक और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में, तो हम व्हाइट लेंगे एंड देन वी विल पेंट ऑन द लेयर मास्क। अब ये यहाँ पर आपको वापस ब्रश रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका फेस इस तरफ है, ठीक है। अब हम छोटे से साइज इंक्रीज करेंगे और धीरे धीरे उसको बड़े की तरफ लेके जाएंगे जैसे जैसे हम आगे पेंट करेंगे, बहुत कम पेंट करना है, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ज़्यादा भी नहीं करना है। हाँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे इसके चेहरे पर ये सब आ गए हैं, तो इनको नॉर्मली हम अपना पुराना सॉफ्ट राउंड ब्रश लेंगे, ठीक है, साइज छोटा, वापस इस लेयर पे आएंगे और जहाँ जहाँ आप ये देख रहे हैं उसको आप वाइट से पेंट कर दीजिए, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि वो पार्टिकल नहीं नजर आए आप उसको वापस से रिस्टोर कर दीजिए। इन में हम एक ग्रेडियंट लेयर लगाएंगे उसको मर्ज करने के लिए, एडजस्टमेंट लेयर लेंगे ग्रेडियंट और वो
foreground कलर लेंगे हम तो शेडोज के लिए एकदम सायान, डार्क सायान। थोड़ा सा ठीक है, और इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे सॉफ्ट लाइट और ओपेसिटी मेरे हिसाब से 50 या 60, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। एंड में मेरा फेवरेट वाइब्रेंस, थोड़ा सा वाइब्रेंस 50, ग्रेडियंट थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 60, ठीक है। लास्ट हम लेंगे फोटो फिल्टर, फोटो फिल्टर वॉन सिर्फ 10%, अच्छा लग रहा है। ये रहा आपका डिस्पर्शन इफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको सही लगा क्या नहीं सही लगा, और आप क्या नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।